तो हेलो ही गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो सो गाइस आज का वीडियो जो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाला है और ऊपर से गाइस आप लोगों को मैंने एपीएस का फुल प्रूफ दे ही दिया है गाइस हम अल्ट्रा पे रख के स्टैंडर्ड पे रख के खेल रहे हैं और फुल एपीएस आ रहा है तो गाइस ये सब कैसे हो रहा है वो आज सबके डिटेल में बताने वाला हूं गाइस ओ ओके गाइस आज के जो हम इस वीडियो गाइस जिससे हम पूरे टोटल फोर टॉपिक्स पे बनाने वाले गाइस वीडियो तो पहला हमारा रहने वाला है इमुलेटर ऑप्टिमाइज मतलब इमुलेटर के क्या करना चाहिए ताकि एपीएस फुल पे जाए गए और वो भी मैं आपको जो एपीएस दिखा रहा था ब्लूस्टेक्स फाइव का एपीएस है यानी ब्लूस्टेक्स फाइव थोड़ा कम ए देता है कम्पेयर टू ब्लूस्टेक्स फोर एंड एम एस एफ फोर तो एमएसएफ फाइव और ब्लूस्टेक्स फाइव थोड़ा कम में देता है पर ज्यादा स्मूथ रहता है क्रैश नहीं करता तो ये एडवांटेज है ब्लूस्टेक्स फाइव का तो ब्लूटेस फाइव पर आप लोग को कैसे मतलब पूरा एपेज दे सकता है वो मैं एक्सप्लेन करने वाला गाइज और अगर कोई सा भी मिस मत करना माना कि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है पर मैं फुल अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला और फिर बढ़िया से एक्सप्लेन करके गए बहुत ओपी तरीके से एक्सप्लेन करके कुछ ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे सब जाने वाला आज का हमारा वीडियो रहने वाला गए टोटल फोर टॉपिक्स पे और वो टॉपिक रहने वाला है सबसे पहला गए इमिलटेड ऑप्टिमाइज दूसरा होने वाला है विंडोज एंड पीसी ऑप्टिमाइज यानी विंडोज और पीसी का जो सेटिंग्स है वो भी मैं चेंज कर देने वाला हूँ थर्ड रहने वाला गए हमारा ग्राफिक्स का सेटिंग्स और फोर्थ रहने वाला गए टेम्प्ररी एंड अन फाइल्स जो होता है उसको हटाना तो गई चलो ये चार टॉपिक में वीडियो बनाने वाला है तो चले गए अभी ज्यादा टाइम कुछ चुकी ना करते हो गए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ इमुलेटर आप डिमाइज उसके लिए जो गाइज आपको जो है इमुलेटर को ऑन इंस्टॉल करके इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहली बात ये है क्योंकि आप लोगों ने क्योंकि डाला होगा कभी किसी का तो एपीएस ना होने एपीएस लो ना होने वाला फाइल डाला होगा सारे जाकर जो है गाइज इमुलेटर में आ, सेट हो जाता है जिसके कारण गाइज कुछ कुछ बहुत ज्यादा सेट हो गया रेस वेज सेट हो गया जब वहां पर है जो एपीएस में ग्लिच कर देता है एपीएस को कर ड्रॉप करने के लिए मजबूर कर देता है तो सबसे पहले आपको इमुलेटर को ऑन इंस्टॉल करना है नहीं जानते मैं बता देता हूँ आपको गाइज यहाँ पर जाना है कंट्रोल सीडीटर पर ठीक है और कंट्रोल सीटर पर जाकर

तो गाइज ये हो गया हमारा बाकी आपको तो गेम का तो पता ही होगा गाइज यहाँ पर डाउनलोड और अपलोड का तो पता ही होगा तो गाइज शुरू में पहले यहाँ पर गाइज हमारा सेटिंग्स से, है उसको अपलोड करना है और रख देना इस आईडी पे बाकी आप फिर से ऑन इंस्टॉल कर इंस्टॉल करोगे तो आप डाउनलोड कर पाओगे ठीक है तो चलो ऑन इंस्टॉल कैसे करना है गाइज ऑन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा गाइजी आईओ बी आई टी ऑन इंस्टॉल जो यहाँ पर देख रहे हो ओके okay, तो okay, आप आईओ बी आई टी आईओ बी आई टी ऑन इंस्टॉल देख रहे होंगे तो आईओ बी आई टॉटॉलर को सबसे पहले आपको क्रोम से इंस्टॉल कर लेना क्रोम पे जाओ कोई साई डी ओपन करो और वहां पर गैस आप सीधा सर्च ओके okay, तो आप वहां पर सीधा सर्च करोगे गाइज आई ओ बी आई की ऑन इंस्टॉल ओके सर्च करते हैं यहाँ पर आ जाएगा कैसे हमारा डाउनलोड आया है डाउनलोड करना है डाउनलोड होते ही गैस यहाँ पर आप लोग डाउनलोड पे देख सकते हैं डाउनलोड पे आ जाएगा वहाँ से जाके आप वहाज ओपन करके फाइल ओपन करके आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है थीके? तो उसको डाउनलोड करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा तो आपको आई ओ बी तो आई इंस्टॉल पर जाना है गाइज और आई ओ वी आई टन पर जाने के बाद आपको यहाँ पर करना है ऑन इंस्टॉल तो कैसे ऑन इश्टॉटल करना है वो मैं दिखा देता हूँ तो सबसे पहले गाइज जैसे कि मानो में फायरलाइट अभी नहीं खेला ठीक तो है अभी के टाइम पर तो फायर लाइट को मानो ये ब्लू स्टैक्स है ठीक है मैं अपना ऑन इस्टॉल नहीं करूँगा गाइज़ आप लोगों को बस बता रहा हो कि मैंने तो ऑन इस्टॉल करके इंस्टॉल कर लिया है तो एपीएस ज़्यादा बुश करना है तो आपसे सबसे पहले फाइल को चूज़ कर लो ऑन इंस्टॉल कर दो और यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिमूव शिड्यूल फाइल्स जो है गाइज इसको ऑन इंस्टॉल कर लेना है और एक ध्या एक बात ध्यान में रखना गाइज़ जब तक ये ऑनस्टल हो रहा है तब तक एक बात ध्यान में रखना कि गाइज़ आपका ये जो ऐप्स ये फ्री में है तो फ्री में देने के बाद क्या होता है बहुत ज़्यादा ऐड्स आता है यानी आपको बहुत ही ज़्यादा ऐप्स जो है वो रिकमेंड कर गए ठीक है तो आप उसको इंस्टॉल मत कर लेना आई यू बी आई टी ऑनस्टॉल हो जाइए सॉफ्टवेयर कह बहुत ही अनवांटेड वॉन्टेड ऐप्स को जो है स्क्रीन पर लाता रहता है तो आप सब कुछ पढ़ के अच्छे से वो करना है देखो कहाँ कहाँ पर है यहाँ पर फार राइट का जो फाइल जीधे जीधे से बनाए सारे जगह से ऑनिशियल हो चुका अब इसको फिक्स ऑफ नहीं करना है कैंसिल करना है यानी नहीं ये कम्प्लीटली ऑनिशियल हो गया अब इतना करने के बाद कह आपको आप क्या करना है ठीक है अब आपको जाना है यहाँ पर सर्च करना है रन सर्च करना है रन अगर आ जाता है सर्च करते ही तो सही अगर नहीं आता है तो अब विंडोज प्लस आर एक ही बार क्लिक कर सकते हो अगेन इंटरफेस तो आपको यहाँ पर सर्च करना है रेजेडिट ओके रेजेडिट सर्च करने के बाद यहां पर आपको जाना है एच की कॉरेंट यूजर पर ऐसा इंटरफेस आएगा एच की कॉरेंट यूजर पर जाना है इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर पे जाना है और यहाँ पर सर्च करना टाइम का को कोई एप्स है देखो फालाइट का एप्स अगर यहाँ से हट चुका है तो सही है अगर है तो उसको यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर देना है वैसे ही अब जब आपने ब्लू स्टेक्स किया होगा तो ब्लू से जितना भी फाइल्स बनता है यहाँ पर ब्लू स्टेक सर्विस ब्लू स्टेक इंस्टॉलर ब्लूक ये चारों को जो गए राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देना ठीक है राइट क्लिक करके डिलीट कर देना मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं अनइंस्टॉल नहीं किया को मैंने अनइंस्टॉल किया था फालाइट को फालाइट तो यहाँ पर नहीं है तो गए सही है अगर आप लोग ब्लू स्टेक्स ऑन करते हो और वो फाइल यहाँ पर दिखता है तो गैस आप यहाँ से ऑनइंस्टॉल कर सकते यानी डिलीट कर सकते हो ठीक है थीके? यहां पर डिलीट करने के बाद आपके पीसी से डिलीट हो जाएगा जा ब्लूटेक्स कम्पटली तो उससे क्या फायदा होगा कि आपका जो भी गैज यहाँ पर वो तो डिलीट हो ही जाएगा साथ ही साथ गैज यहाँ पर आपका जो भी है यानी फाइल डिलीट हो यानी आपका ब्लू स्टैक्स डिलीट हो चुका है अब यहाँ पर सर्च करना गैज आपको ब्लू स्टैक्स ठीक है बी एल यू -E टी एस KS, अब करते हैं यहाँ पर ये तीन जो आ चुका है इसको राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन करना है और जहां पर वहां से डिलीट कर देना है जहां जहां पर भी आपको आ, तो यहाँ, पर, यहाँ पर, वीडियो, वीडियो पर पता चल जाएगा यहाँ पर फाइल फोल्डर्स आ जाएगा राइट क्लिक करना ओपन फाइल क्लिक करना और यहाँ पर राइट क्लिक करके राइट क्लिक करके गए डिलीट कर देना ठीक है डिलीट करने के बाद आप रिसाइकल बिन को भी इंप्लीट कर सकते हो सारा चीज डिलीट होने के बाद ठीक है इतना करने के बाद आपके पीसी से ब्लिश टैक्स जो है कम्प्लीटली रिमूव हो जाएगा अब उसके बाद आपको क्रोम पे जाके जो जो ऐसा भी वर्जन खेलते हो यहाँ पर डाउनलोड्स पे शायद आपके पीसी के डाउनलोड्स पे हो चुका पे हो हो है शायद से डाउनलोड्स पे होगा वो वर्जन ठीक है ब्लू स्टैक्स का वो वर्जन हो सकता है डाउनलोड पे तो वहाँ से आपके इंस्टॉल्स पहले से कर लेना गई अब इतना होने के बाद आपका ब्लू स्टैक्स हो चुका है फुल यानी पिछले में जितना भी ग्लीचेज था जो भी था ग्लीचेज या रेज या जो अनवॉन्टेड जो फाइल था सारा रिमूव हो चुका है और आपको शुरू से गए सब कुछ करना है ठीक है अब शुरू से आप फ्री फायर पर जाके सेटिंग्स बनाओ सेटिंग्स जो पहला वाला सेटिंग है अपलोड ये हो गया गाय हमारा पहला वाला अब हमारा दूसरा सेटिंग से, से विंडोज एंड पीसी पीसीऑप्टिज चलो विंडोज एंड पीसी ऑप्टिमाइज यानी पीसीऑप्टिइ आपका जो हमारा विंडोज का फाइल है यानी यहाँ पर हमारा जो भी है पीसी का उसको ऑप्टिमाइज करना है तो पीसी को ऑप्टिमाइज करने के लिए सबसे पहले तो गया गया आपको पावर पावर एंड स्लीप सेटिंग्स किसी में पावर सेटिंग्स इडिट पावर प्लान या चूज अ पावर प्लान ऐसे करके भी आ सकता है तो पावर एंड स्लीप सेटिंग्स चलते ही गाइज यहाँ पर आपको जो है इधर पे एडिशनल पावर सेटिंग्स में जाना है गाइस ठीक है ये ये सब नेवर कर देना ये ओपी रहेगा स्लिप करते ही गए फाइव परसेंट या टेन परसेंट पावर लॉस हो जाता है तो एडिशनल पावर सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर किसी का बैलेंस होगा किसी का नॉर्मल होगा गैस उसको आपको हाई परफॉर्मेंस पे सेव करना है ठीक है गैस हाई परफॉर्मेंस सेव करते क्या होगा यहाँ पर आपको गैस जो परफॉर्मेंस है उसमें बूस्टिंग मिल जाएगी इसी के कारण बहुत ही ज्यादा बंदे का जो है बहुत ही लो देता है यानी एनिमी एन एम आता चला जाना ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो गैस बैलेंस पे होता है इसीलिए तो आपको करना है हाई परफॉर्मेंस पे गैस विंडोज लाइव में थोड़ा सा फर्क होगा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा पर गैस पावर ऑप्शन में ही सारा सेटिंग आपको मिल जाएगा तो हाई परफॉर्मेंस पे सेट कर लेना है चेंज प्लान सेटिंग्स को टर्न ऑफ डिस्प्ले को नेवर और कंप्यूटर के स्लीप पे भी नेवर सब कुछ को नेवर कर देना है पांच मिनट दस मिनट नहीं रखना है बिल्कुल नेवर ही कर देना गैस और उसके बाद सेव करने के बाद आपको चलो ये सेटिंग्स हो चुका है अब दूसरा सेटिंग्स आपको क्या करने का यहां पर सर्च करना है सर्च करना है गेम मोड गेम मोड सेटिंग्स चलो गेम मोड सेटिंग्स सर्च करना यहाँ पर गेम मोड ऑफ रहता होगा उसको आपको ऑन कर लेना ऑन करते क्या होगा ग्राफिक्स पे प्रेशर पड़ेगा और ग्राफिक्स आपको जो है गाइज थोड़ा सा गेम के लिए ऑप्टिमाइज हो जाएगा यानी ज्यादा थोड़ा सा एप देने में मदद करेगा तो ये हो गया हमारा गेम मोड का सेटिंग्स अब तीसरा सेटिंग्स जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो किए गए आपका टैक्स मैनेजर में राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर टाक्स मैनेजर आ जाएगा वोडेज इलेवन में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है तो आपको टाक्स मैनेजर पे जाना है और यहाँ पर गाइज आपको स्टार्टअप पे जाना है स्टार्टअप का मतलब होता है गैज कि आप पीसी ऑन करते ही जो कुछ ऐप्स होता है वो ऑटोमेटिक आपके पीसी में ऑन हो जाता है तो जिसकी हमको कोई जरूरत नहीं है जितना भी ये स्टेटस पे इनेबल रहता होगा गैज आपको राइट right क्लिक करना इनेबल रहता होगा उसको आपको गैस जैसे कि मानो ये मेरा पहला इनेबल था ठीक है ऐसे ऐसे करके इनेबल था ठीक है ये सारा इनेबल था गज तो आपको क्या करना है जितना भी इनेबल था सबको डिसेबल कर देना गैज कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको डिसेबल कर देना इससे क्या होगा कि पीसी ऑन करते ही कोई सा भी एप्स अपने आप नहीं खुलेगा यानी आपको क्या करना पड़ेगा गाइज आपको जो है यहाँ पर पीसी ओपन करने के बाद जैसे फ्री फायर खेलना है फ्री फायर ओपन कर लो अब ओपन हुआ ना अब पीसी ऑन करते ही ओपन होगा तो गाइज बैकग्राउंड में खाता रहेगा जैसे कभी फेसबुक ऑटोमेटिक ओपन होगा बैकग्राउंड में फेसबुक ही थोड़ा पावर खाता रहेगा तो ऐसे नहीं करना गाइज आपको सारा जो है सबको डिसेबल पे रखना है इससे गायज आपको थोड़ा सा एपीएस में एडवांटेज मिलेगा बैकग्राउंड में कोई रन नहीं होगा फुल फोकस होगा गेम पे अब दो सेटिंग्स ऑलरेडी हमने कर लिया जो पहला वाला था वो भी कर लिया गया है दूसरा था विंडोज एंड पीसी वो भी हमने कर लिया है ज्यादा कुछ नहीं करना अब थर्ड चलते गए ग्राफिक सेटिंग्स ठीक है सबसे पहले आपको गए यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाना है उसके बाद यहाँ पर नीचे देख सकते होंगे ग्राफिक सेटिंग्स ग्राफिक सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पर गए आपको जो ये हमारा ब्लूटेक्स दिख रहा है जो आप ब्लूटेक्स में खेलते हो मैं ब्लूटेक्स फाइव में खेलता हूँ ब्लूस्टक्स फाइव का लेटेस्ट वर्जन में तो आपको ब्लूटेक्स ब्राउज करके जो है यहाँ पर आपका फाइल पर रहा

एस जी जी एल सेक ओके और उसके बाद एस डी प्लियर ये दोनों को गैज आपको यहाँ पर लगा लेना है यहाँ पर ब्राउज करके लगा देना और इसको गैज ब्राउज करके यहाँ पर डालते ही आपको राइट right क्लिक करके जो है इस पर क्लिक करके ऑप्शंस पे जाके यहाँ पर लेट विंडो डिसाइड होगा उसको हाई परफॉर्मेंस यानी जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड पे उस पर सेट कर देना ठीक है इतना करने के बाद आपका हो जाएगा सब कुछ सीख ओके अभी इतना हो गया गैज इतना होने के बाद अब आपको जाना गया एनबीडीआई कंट्रोल पैनल पे एनबीडीआर कंट्रोल पैनल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो बहुत ही काम लगने वाला है आपको यहाँ पर एफ देने के लिए तो सबसे पहले जाते हैं एडजस्ट इमेज सेटिंग्स विद प्रीव्यू गाइस तो एडजस्ट इमेज सेटिंग्स विद प्रीव्यू पे जाते ही जहां पर आपको यहां पर ऑप्शन रहेगा यूज द एडवांस थ्रीड इमेज सेटिंग्स ठीक है उस पर आपको नहीं रख के थर्ड पे चूज करना है यूज मई प्रीफरेंस में बस ऐसे करके रहेगा तो आपको थर्ड पे ले जाना यूज मई प्रीफरेंस प्रिफरेंस uh, इंफरइजिंग पे और यहाँ पर गए आपको क्वालिटी मीडिया मिडल पे या तो क्वालिटी पे रहेगा उसका आपको परफॉर्मेंस पर लगाना है अगर आप वीडियो एडिट ज्यादा करते तो अच्छा पर हो तो गए क्वालिटी अच्छा रहेगा पर अफकर्स ये देख रहे इसका मतलब आप गेमर्स हो तो गेमर्स के लिए परफॉर्मेंस इज बेस्ट आपको थोड़ा क्वालिटी थोड़ा नॉर्मल दिखेगा पर गए जो है एप पे बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा तो आपको परफॉर्मेंस पे लगा लेना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है गए राइट साइड पर नीचे देख सकते यहाँ पर अप्लाई के सीन से यहाँ पर अप्लाई कर देना है अप्लाई करते अप्लाई हो गया अब गए यहाँ पर मैंने थ्री डी सेक्न पर जाना है तो मैंने थ्री से बहुत कुछ आपको कुछ भी नहीं करना ठीक है जो सारा बंदे बताते रहते हैं वो कुछ भी नहीं करना ठीक है आपको क्या करना गए यहाँ पर नीचे जाओ और यहाँ पर ओपन जीएल ओपन जीएल रेंडरिंग जीपीयू दिखाया गया ठीक है ओपन जीएल रेंडरिंग जीपीयू ठीक है इस पे गए यहाँ पे आपको क्या रहता होगा ओपन uh, ऑटो पे होगा उसको आपको नहीं करना जो आपका ग्राफिक्स कार्ड है उस पर रख सकते हो अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड नहीं है बहुत ही लो इंड पी है तो आपको कैसे ऑटो सेलेक्ट पे ही रहने दे रहा है पर अगर आपका ग्राफिक्स कार्ड है तो आप उसको ग्राफिक्स कार्ड पर ऐसे चूज कर सकते हो तो और उसके बाद उसका ऊपर वाला जो ओपन जीएल जी डीए कम्पेटिविलिटी उसको कह ऑटो पे रह गया उसको भी आपको प्रीफर परफॉर्मेंस करना है यानी परफॉर्मेंस यानी कि हमारा ग्राफिक्स कार्ड यूज होना है ठीक है इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पावर मैनेजमेंट मोड पावर मैनेजमेंट में नॉर्मल पे रहेगा यानी कि आपका पहले जो है वो रहेगा नॉर्मल पे तो उसको आपको प्रीफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर लेना यानी कि परफॉर्मेंस पावर हमको जो है इनफ चाहिए गाइस गेम को फोकस करने के लिए इनफ पावर चाहिए तो प्रीफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस चूज कर लेना है उसके बाद दूसरा हमारा सेटिंग्स रहेगा लो लाइडेंसी मोड का गाइस ठीक है ऊपर यहाँ पर देख सकते हो लो लाइडेंसी मोड ये रहेगा ऑफ पे तो इसको आपको अल्ट्रा पे लगा देना गाइस अल्ट्रा पे लो लाइड मोड कर देना और यहाँ पर अप्लाई कर देना है अप्लाई करते दे कुछ देर पे हलचल होगा और यहाँ पर आपका सारा सेटिंग्स हो जाएगा गाइस ओके okay. अप्लाई होने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम सेटिंग्स पे और यहाँ पर जो आपको जो है यहाँ पर आप जो भी गेम खेलते हैं जो सा वर्जन में खेलते हैं उसको चूज कर, कर, कर लेना है और फिर से यहाँ पर अप्लाई कर देना मैंने ऑलरेडी चूज किया हुआ था तो उस पर अप्लाई कर लेना है इससे अप्लाई करने से क्या होगा आपका जितना भी गैस प्रोग्राम्स का फोकस है ग्राफिक्स कार्ड का फोकस है सारा जाएगा प्रोग्राम सेटिंग्स पे फोकस जाएगा यानी कि सारा जो है हमारे एप्स पे फोकस जाएगा और आपका एपीएस में परफॉर्मेंस में ज्यादा कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ठीक है बाद आपको यहाँ पर कॉन्फिग फिजिक्स पे आ जाना है और इस पे आते गए आपके जो है ये ऑटो सेलेक्ट पे रहेगा ठीक है ऑटो सेलेक्ट पे ना करते हुए आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है उसको चूज करना है अगर आपका लो इंड पीसी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो आप ऑटो सेलेक्ट पे या तो सीपी पे रहने देना है नहीं तो गाइज आपको ग्राफिक्स कार्ड चूज कर लेना है इतना करने के बाद आपका हो जाएगा हमारा ग्राफिक्स का भी सेटिंग से हो जाएगा पूरा खत्म उसके बाद लेटली गाइड लास्ट आपका करना है टेम्परेचर एंड अननेसेसरी फाइल्स को क्लीन तो उसके लिए क्या करना है सबसे पहले विंडोज प्लस आर यानी रन को ओपन करना है यहाँ पर देख सकते हैं रन इसको ओपन करना है इसको ओपन करने के बाद गई यहाँ पर आपको सर्च करना है सबसे पहले टी ई एम पी टेम टेम्प को इंटर दे गए यहाँ पर इतना फाइल आ जाएगा इस सबको सेलेक्ट कर लेना है और आपको गाइज डिलीट कर देना है और यहाँ पर स्किप कर देना है डू दिस पलाटे में टिक करके स्किप कर देना है इसका मतलब ये हो गया कि जो भी ऐप्स रन हो रहा है या तो जो भी आपको चाहिए उतना ऐप्स रहेगा बाकी जितना भी अननेसेसरी फाइल्स है वो डिलीट हो जाएगा अब फिर से आपको जाना है विंडोज प्लस रन पे और यहाँ पर जाते ही गैज यहाँ पर फिर से सर्च करना है सॉरी परसेंट टेन परसेंट ये जो ऑट आ चुका है परसेंट टेन परसेंट टाइप करके ओके करना है इतना करने के बाद देख सकते हो तो कितना अनवांटेड फाइल्स है गैज तो इसको मैं सारे के सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको गैज मैं कर देता हूँ डिलीट ओके डिलीट करने के बाद बूथ स्पुर और कॉरेंट आइटम करना है और स्किप कर देना है ठीक है स्किप करते जाना है स्किप करते जाना है और यहाँ पर गए जितना भी नेसेसरी फाइल्स रहेगा वो रह जाएगा बाकी जितना अनवांटेड फाइल्स था वो डिलीट हो जाएगा अब इतना होने के बाद फिर से आपको सर्च करना है विंडोज आर और यहाँ पर सर्च करना है प्री ओके प्रीफे सर्च करना है प्रीफेस सर्च करने के बाद यहाँ याँ याँ पर याँ आ जाएगा इस ओके कंटिन्यू यहाँ पर सारा कुछ कंट्रोल और और यहाँ पर डिलीट कर देना है और यह सारा कुछ डिलीट कर देने के बाद गए यहाँ पर देख सकते हो डूस पलाटे भी स्किप कर दिया मैंने और सारा कुछ डिलीट हो चुका आपका पीछे हो चुका है बिल्कुल फ्री अब मैंने तो डायरेक्ट डिलीट कर दिया बाकी जितना भी रहेगा गए सबको आपको जो क्या जी इधर से भी उड़ा देना है यानी जितना भी गए हमारे रिसाइकिल वगैरह बिन से भी डिलीट कर देना है डिलीट okay, होते ही गए यहाँ पर आपका फुल क्रीन, अब आप यहाँ पर फ्री फायर पर ओके तो लेटली मैं आपको से, बताने जा रहा okay, तो से है आपको आ, आपका सीपी अनुसार से लाइक आपका टू कोर का सीपी है तो वन कोर पे चूज करना है अगर फोर कोर का सीपी है तो टू कोर पे चूज करना है क्योंकि guys, दो कोर एक्स्ट्रा चाहिए जिससे आप गए कोई और कम लाइक रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग ऐसा कुछ करने के लिए ठीक है तो दो को इसके यूज़ पे रखो दो को इसको फ्री रखो मेमोरी आपका आठ जी भी है तो चार जी रखो सिक्सटी जी बी तो एट जी पे रखो मेरा थर्टी टू जी है फिर भी मैं ज्यादा नहीं देना चाहता तो मैं फोर जी बी रखा होगा परफॉर्मेंस मोड पर हाई परफॉर्मेंस चूज कर लेना है आपका नॉर्मल पी है तो गई आप यहाँ पर बैलेंस पे रख सकते हो और बहुत ही लो इन पी है तो लो मेमोरी पे रख सकते हो गई तो मेरा हाई परफॉर्मेंस भी रख दिया मैंने क्योंकि मेरा ठीक ठाक पी है फ्रेम रेट को आपको ज़्यादा नहीं बस नाइनटी पे रखना है अगर गई बहुत ही लो इन पी है तो आप सिक्सटी से ज्यादा पे मत खेलो खेलोग मैं वही रिकमेंड करूंगा कि सिक्सटी पे भी अच्छा खासा गेम चल जाता है स्मूथली चल जाएगा गेम तो आपको सिक्सटी पे

तीसरा मोड़ है ग्राफिक्स ग्राफिक्स में आप कभी भी डायरेक्ट एक चूज मत करना ग्राफिक्स कार्ड फुल्ली ग्राफिक्स कार्ड बेस्ट है तो इसको ओपन उप, जेल पे रख देना है इंटरफेस स्टैंडर्स है इसको आप ऑटो पे रख देना है पीसी का जो भी सूटेबल होगा वो ले जाएगा और यहाँ पर ए एस सर बेटा है इसमें सॉफ्टवेयर आपको डिसेबल कर देना है अगर आपका लो पीसी है तो आपको डिसेबल कर देना है अगर आपका मीडियम है तो आप सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग रख सकते हो हार्डवेयर रिकॉर्डिंग चूज नहीं होगा तो आपको सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग पे यूज रखना है और इधर पे जी जो भी है उसको टिक करना टिक मत करना टिक पे रख देना इतना होने के बाद आपका फोन का सेटिंग एस एस रॉक टू

फिर भी आप देख सकते हैं अल्ट्रा तो पे भी मैं लोन उल पे क्लास का फुल एपएस देता है बी आ रैंक में ग्राफिक्स का थोड़ा ज्यादा प्रेशर पड़ने के कारण फिर भी गाइज हंड्रेड फिफ्टी प्लस काट एपएस देता है मेरा ठीक है वन ट्वेंटी प्लस एनी टाइम और वन फिफ्टी प्लस हमेशा देता रहता है तो गाइज आपको देखी होगा लाइव में देखा ही होगा गाइज तो ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं बाकी अल्ट्रा पे भी देख सकते अल्ट्रा पे मैंने सेटिंग्स पे हाई एपीएस किया हुआ है हाई एपीस और ओशन पे खेल रखा हूँ गाइज ठीक है तो आओते यहाँ पर देख सकते हो फुलोटी एफ एस कॉन्स्टेंट दे रहा है मेरा लोन पे क्लासिक क्लास स्क्वाड पर टू ट्वेंटी होता रहता है दो सौ बीस दो सौ तीस इन की जरूरत नहीं तो है ओके और यहाँ पर आप अच्छे से एपीएस देख सकते हैं ओके, तो कितना कॉन्स्टेंट एस कितना बढ़िया गाइज हेड लग रहा है वो तो आपने देखा ही होगा तो चलो किसी के साथ का वीडियो यही फील करते होप आप सबको वीडियो पसंद आएगा गाइज और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और जो भी नहीं कुछ अगर कहीं पे गैस प्रॉब्लम आ रहा है कहीं पर सेटिंग अलग है तो आप कमेंट में पूछ सकते कमेंट में मैं सब पर रिप्लाई देने वाला हूँ और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत ही बहुत ज़्यादा शुक्रिया का